दोस्तों नमस्कार, मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पानी ज़्यादा नहीं पिलाता तो क्यों नहीं पिलाता, आखिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत सी बीमारियों में लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए बोलता हूँ, और जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ये कई ट्रीटमेंट में बोला जाता है। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमको पानी नहीं पिलाता ज़्यादा, हम एक दो गिलास पानी से ज़्यादा नहीं पी पाते हैं और हमको प्यास लगती नहीं है, ज़बरदस्ती हम एक दो गिलास पानी पीते हैं, बिल्कुल पानी हमसे नहीं पिलाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पानी ना पीने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और पानी क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत से लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसके कारण से उनकी पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, पेशाब के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशाब में धात आती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पतरी होने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, मल टाइट होने का संभावना ज़्यादा बनती है, स्किन में रूखापन, बालों में रूखापन ज़्यादा होता है। तो ये सब कारण दोस्तों पानी ना पीने के कारण से होता है, और ये सब प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो दूसरी बीमारियों को जन्म देती हैं। तो दोस्तों हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं, और इससे संबंधित कुछ औषधियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आयुर्वेद बोलता है कि जिनकी कफ प्रकृति रहती है वह लोग पानी कम पीते हैं, मतलब जिन लोगों का सर्दीला शरीर होता है, जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, ऐसे लोगों को प्यास कम लगती है और ऐसे लोगों को सर्दी की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति रहती है यानी कि गर्म प्रकृति रहती है, ऐसे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है। ज्योतिष के अनुसार जाने अगर तो ज्योतिष में बोला गया है, ऐसा सिद्धांत है कि जिनकी लगन कुंडली में लगन जल लगन हो तो ऐसे लोगों को प्यास कम लगती है, या अग्नि लगन हो ऐसे लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, या फिर लगन में कोई ठंडा ग्रह बैठा हो तो उसको प्यास कम लगती है और गर्म ग्रह बैठा हो तो प्यास ज़्यादा लगती है। जैसे कि लगन में चंद्रमा और शनि किसी के लगन में बैठा हो ऐसे लोग पानी बहुत कम पीते हैं और ऐसे लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे लोग नहाते भी कम हैं। और जिन लोगों के लगन में सूर्य और मंगल और केतु इनमें से कोई भी ग्रह या एक साथ कई ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्तियों को गर्मी ज़्यादा लगती है, ऐसे व्यक्तियों को प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसे लोगों को पसीना ज़्यादा आता है और ऐसे व्यक्ति नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पानी की अधिकता मांगने वाला और पानी की अधिकता कम मांगने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है, और कुछ और भी कारण होते हैं जिनसे पहचान सकते हैं। कई लोगों का पानी डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, कई लोगों को पेशाब लेट आती है उससे भी प्यास कम लगती है, कई लोगों को पसीना कम आता है उससे भी प्यास कम लगती है, कई लोगों की आदत ऐसी बन जाती है कि वह खाना खाने के समय पानी पीते हैं, बाकी समय उनका ध्यान नहीं रहता है, व्यस्त लाइफ होने के कारण भी पानी नहीं पी पाते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि पानी कम पीने की वजह से बहुत सारे रोग होने की संभावना बन जाती है, और बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है। कम पानी पीने की वजह से हमारी बॉडी में पित्त की संभावना ज़्यादा बन जाती है, पित्त बढ़ने लगता है, और पित्त के कारण से अग्नि ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से बहुत सारे रोगों की सामना हमको करना पड़ता है। तो दोस्तों हम करें क्या, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें हम क्या औषधि कर सकते हैं। सबसे पहले हमको एक नियम बनाना चाहिए कि सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद हमको एक से दो गिलास पानी पीना है और डेली पीना है। सबसे पहले हमको अपनी मनोवृत्ति ही परिवर्तन करनी होगी, मन परिवर्तन होगा तभी औषधि भी काम करेगी। तो आपको सुबह उठकर पानी पीने की आदत डालना चाहिए। जिन लोगों की गर्म प्रकृति है उन लोगों को ठंडा पानी पीना चाहिए, और जिन लोगों की ठंडी प्रकृति है ऐसे लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए, और जिन लोगों की गर्म प्रकृति है ऐसे लोगों को ठंडा पानी पीना चाहिए। इसके अवरोध में ठंडा प्रकृति वाला ठंडा पानी पिएगा तो नुकसान होगा, और गर्म प्रकृति वाला गर्म पानी पिएगा तो नुकसान करेगा। तो अपनी प्रकृति को समझते हुए हमेशा जल का उपयोग करें। आजकल बहुत चलन है कि गर्म पानी पीना है, तो दोस्तों जिन लोगों की प्रकृति गर्म है, पित्त प्रकृति है, अम्ल जिनके पेट में ज़्यादा बनता है, क्षार जिनके पेट में ज़्यादा बनता है, ऐसे लोगों को गर्म पानी पीना नुकसान होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या औषधि इसमें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको लेना है औषधि के रूप में इसमें शिलाजीत। तो दोस्तों 50 ग्राम शिलाजीत आपको ड्राई शिलाजीत लेना है, जो सूखा हुआ शिलाजीत रहता है। शिलाजीत दो फॉर्म में आता है, एक गीला और एक सूखा। गीला वाला नहीं लेना है, सूखा वाला जो ड्राई रहता है पत्थर की तरह रहता है उस शिलाजीत को 50 ग्राम लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको 25 ग्राम गोखरू लेना है। गोखरू के जो बीज होते हैं उसको पीस के पाउडर बना के उसको छान कर बिल्कुल बारीक उसको भी रखना है, और 50 ग्राम शिलाजीत और 25 ग्राम गोखरू, और इसमें रहेगा 5 ग्राम जवाखार, इसको यवखार भी बोलते हैं, जवाखार भी बोलते हैं, इसको 5 ग्राम मिलाना। इसको ये भी पत्थर के रूप में होता है दोस्तों, पत्थर जैसा ही दिखता है, इसको भी बारीक पीसना होता है, इजीली पीस जाता है, उतना भी हार्ड नहीं होता है, बहुत इजीली पीस जाता है, बिल्कुल किसी सिलबट्टे पर या किसी खरल पर आप इसको पीस सकते हैं। और तीनों दवाओं को मिलाने के बाद इसमें 10 ग्राम मिश्री भी मिलाना है, और तीनों को आपस में मिलाना है दोस्तों। इस प्रोडक्ट को बना के आप किसी भी डिब्बे में बंद करके रख लीजिए, बिल्कुल पाउडर को कपड़ छन करके, जब बारीक बिल्कुल छन हो जाए उसको रख लीजिए। फिर इसको शहद के साथ 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को सेवन करते हैं तो आपकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी बहुत अच्छा आता है,
प्यास बहुत अच्छी लगती है, मूत्र ज़्यादा से ज़्यादा आता है, जितना ज़्यादा पानी निकलता है उतनी ज़्यादा प्यास लगती है, तो पेशाब भी बहुत ज़्यादा आती है, पेशाब साफ होकर आती है, पेशाब से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। और दोस्तों ये पुष्टिकारक भी यौगिक है, इस दवा से बहुत ज़्यादा शरीर में ताकत भी आती है। सलाजीत हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, गर्मी देने का काम करता है और नसों को मजबूत देने का काम करता है, जॉइंट्स पेन को दूर करने का काम होता है और वीर पुष्टि का भी काम करता है। तो यह दवा लगातार ली जा सकती है और शरीर में ताकत देती है, कमजोरी को दूर करती है और पानी की प्यास को बढ़ाती है और मूत्र को साफ करती है, मूत्र से संबंधित रोगों को दूर करती है। तो इस दवा को आप दोस्तों बहुत पी सकते हैं। फिर भी अगर कुछ और भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आपको एक इसमें एक चीज़ और आती है, कुल्थी एक करके दाल आती है, कुल्थी की दाल का अगर सेवन ज़्यादा किया जाए तो भी प्यास लोगों को बढ़ जाती है। वैसे तो ये दवा सबसे संपूर्ण दवा है, इस दवा के बाद आपको किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बेस्ट यही दवा है। शिलाजीत, मिश्री और जवाखार और गोखरू, इनके कॉम्बिनेशन की जो दवा है, इससे बेस्ट दवा मुझे दोस्तों आज तक नहीं लगी। मैं यही दवा अपने सभी पेशेंट को देता हूं और इसके साथ कुछ कुछ परहेज भी बताता हूं। परहेज के रूप में आपको इसमें तिल की चीज़ें, पूड़ी पराठा जैसे और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें खाना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्यास अगर आपको नहीं लगती है तो प्यास को किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, क्या इसमें ले सकते हैं, इससे संबंधित कुछ और जानकारी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट करें, मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782।